वालेकुम गाइस, होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका होस्ट अबूबकर आज आपको एक अनबॉक्सिंग के साथ हाजिर हुआ हूँ। इधर पकड़ो सीटो इधर। तो आज जो अनबॉक्सिंग है वो है जी फिलिप्स एयर फ्रायर मॉडल कौन सा है HD9200, जिसको एक्सप्रेस भी कहते हैं, सॉरी असेंशियल भी कहते हैं। 0.8 kg 4.1 लीटर ये हमें ऑफर में मिला है, ऑफर में काफ़ी कम प्राइस पे मिला है। तो ये जो ऑफर लगी हुई है वो लुलू में लगी हुई है, तो वहाँ से हमने ये फिलिप्स एयर फ्रायर उठाया है। ये लेने का मकसद ये है कि हम चिप्स वगैरह बना लें, ग्रिल कर लें, कुछ चिकन फिश बना सकें इसके अंदर, कुछ छोटे मोटे केक जो से बच्चों के लिए होते हैं वो बेक कर सकें। तो आई गेस ये जो सा है उसी सारे प्रोसेस के ऊपर काफ़ी अच्छा उतरने वाला है, क्योंकि जब हम फिलिप्स के ब्रांड को कंसीडर करते हैं, जैसे हम फिलिप्स के ब्रांड को कंसीडर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसमें कह सकते हैं कि लॉयलिटी कंसर्न आ जाता है कि उनके ब्रांड की जो मामलात हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो ये जो फीचर्स के साथ आ रहा है, हमें 2 ईयर्स की वारंटी मिल रही है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि कवर हो गई। सर्विस वारंटी होती है, इसमें ये होता है कि अगर तो आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है समहाओ, आपको इंटरनल डैमेज हो जाता है या कुछ भी कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, तो जो कंपनी होती है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सा वो आपको वो कवर करेगी, और अगर तो वो सही हो सका तो वो उसको फिक्स करेगी या तो वो आपको नया प्रोडक्ट देंगे। तो उसके बाद जो सा है इसमें रैपिड एयर टेक्नोलॉजी है, जो कि जो चीज़ें बेक करता है वो एयर के हिसाब से करता है, कि उसके अंदर एक इस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है कि वो थोड़ी देर पूरी चीज़ को कवर करता है, ना कि सिर्फ हीट उसके ऊपर फेंकता है, तो वो एयर को रिवॉल्व भी करता है अंदर। ठीक हो गया जी, 0.8 kg और या 4.1 लीटर की इसके अंदर कैपेसिटी है। तो 0 to 6 मिनट का टाइमर है, और ये एक जो फिलिप्स की ऐप है न्यूट्री यू ऐप अली, तो जो फिलिप्स की ऐप है न्यूट्री यू ऐप, तो उसके अंदर अगर आप लॉगिन करेंगे, जो कि मैंने खुद किया, उसके अंदर जब आप लॉगिन करेंगे तो इस प्रोडक्ट को आप जस्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली जो ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया ने चीज़ें बनाई हैं इसके अंदर, किस किस तरह से बनाई हुई है, जो रेसिपीज हैं वो आपको वहाँ पर लिस्ट डाउन हो जाएंगी, तो आप उससे देख के बना सकते हैं। और ये डिश वॉशर सेफ पार्ट्स हैं इसके, ठीक है जी। तो इसमें हम देखें, ये फ्राई का ऑप्शन मिल जाता है हमें, ग्रिल का ऑप्शन मिल जाता है हमें, बेक का ऑप्शन मिल जाता है, और रोस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि मेरे लिए कह लें कि ग्रिल का ऑप्शन बेस्ट है, रोस्ट का ऑप्शन बेस्ट है, अली के लिए कह लें बेक का ऑप्शन बेस्ट है और फ्राई का ऑप्शन बेस्ट है। तो आए इसको अनबॉक्स करते हैं, छुड़ी दे आ रहे, इसको अनबॉक्स करते हैं, छुड़ी ना ली होगा अनबॉक्स अली। तो इसको अनबॉक्स करते हैं किस तरह से, यहाँ तो दिखाएं जी। सबसे पहले इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माफ़ कीजिएगा ख़वातीन हज़रात, उन पार पूर दे कह दिए इनकी खास ज़रूरत नहीं, अली नहीं कर रहा कुछ। चले छुरी को रखिए साइड पे और आ जाते हैं इसको बॉक्स को दिखाने हमने। आई गेस कि अब हमें प्रोडक्ट को नीचे रख देना चाहिए, नीचे रख के इसको बॉक्स से निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या मामला है। चले जी, अब ये अली हैदर साहब के साथ हम इसको अनबॉक्स करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं इसमें से किस तरह का प्रोडक्ट निकलता है। अली हैदर साहब बस इसकी उंगली बचाई अपनी अली, इसको हम ऐसे निकालते हैं, अली हैदर से बचा के ना थोड़ी बहुत। हाँ जी, हाँ जी, बताओ बताओ, वो मतलब क्या कर रहे हैं वो, ये भी कैमरे को छेद ली, अली खुल गया खुल गया खुल गया। चले बताओ बताओ अली, बताओ बताओ बताओ,
इसको बताओ इनको जरा, बताओ इनको जरा, अनबॉक्सिंग करो मेरे साथ। वो मैनुअल्स निकले हैं कुछ, और जिसमें इसका सारे मामला होंगे। ये एप्लीकेशन है जो न्यूट्री यू ऐप की है, तो इसको हर बार में देखते हैं। चलो जी, एल डी एल ट्रेन ही ये नहीं ले जी, इसको हम साइड पर करते हैं, और जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो हम निकालते हैं। चलो जी, और कुछ नहीं है डब बॉक्स के अंदर, तो अब ये प्रोडक्ट आ गया, इसको हम अनरैप करते हैं। इसकी जो टेप लगी हुई है नीचे, इसको हम खोलते हैं। अली अब बॉक्स की तरफ हो गए, तो हम आपको दिखा सकते हैं कि इसमें से हमें क्या मिला। वाह वाह जी हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है उसकी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और ऊपर ये इन्होंने मेंशन किए हुए हैं कि अगर आपने फ़िश फ्राई करनी है या आपने कोई ड्रम स्टिक्स बनानी है, बेकिंग करनी है, तो उसको कितने डिग्रीज पे आपने सेट करना है और कितने टाइम के लिए सेट करना है। तो ये जो नॉब्स हैं, ये ऊपर टाइम की नॉब है, अली नॉब, तो ये ऊपर टाइम की नॉब है और ये नीचे टेम्परेचर की नॉब है। तो ये जो इसका है, क्या कहते हैं, नीचे बॉक्स, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम इस तरह खोलेंगे, हम लोग सॉरी, इसकी टेप लगी है, टेप हमने रिमूव कर दी, दूसरी तरफ से टेप हमने रिमूव कर दी, तो इसको हम जब खोलते हैं, तो जी हाँ, जिस तरह की आप ये देख सकते हैं, ये काफ़ी स्पेशियस हमें मिल जाता है। तो अगर आपने इसको निकालना है, आपने जैसे इसको प्रेस करना है, ये आपके वॉश के लिए डोसा वो रेडी हो जाएगा। तो इसका नीचे देख रहे हैं, ये इसका पर्पज़ है, और वो ये है कि इसमें जो हवा है वो सारे खाने के ऊपर सही तरह से, अच्छी तरह से रिमूव हो सके। तो इसको दोबारा लगा दीजिएगा। अब हम इसको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, इसमें चिप्स वगैरह बनाएंगे और आपको बताएंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले हम इसे वॉश करेंगे और आफ्टर दैट हम इसे यूज़ करेंगे। तो वो वीडियो के लिए भी आप स्टे ट्यून्ड रहिए। होपफुली ये अनबॉक्सिंग आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।